नमस्कार दोस्तों, पल पल ना माने मोरा जिया, मैं हूं आपका टिंकू जी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां ऑफिस में आए नई इंटर्न को काम सिखाने के लिए दो लड़के आपस में भिड़ गए। इसके बाद वहां जो चप्पल जूते चले उसे पूरे मोहल्ले ने देखा। दरअसल ये दोनों ही लौंडे चाहते थे कि ऑफिस में आई नई गुड़िया को वो सिखाएं। इसी को लेकर पहले दोनों में कहा सुनी हुई और फिर जूत बच गई। इस पूरी भसूड़ी को ढंग से समझने के लिए सीधा चलेंगे मेरी छोटी बुआ के बड़े लड़के रिंकू जिया के पास। अमा रिंकू, ये तुम क्या हमेशा अपने टेस्ट की खबरें ढूंढ ढूंढ कर लाते हो? तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई खबर नहीं मिली? अबे टिंकू, तुमने सिफारिश से मेरी नौकरी लगवाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑन एयर मुझे कुछ भी बोल दोगे? अरे मेरे व्हाइट ग्रेवी वाले पनीर, दिल पर मत ले भाई, भसूड़ी समझा। भाई कहानी ये है कि पिछले सोमवार नोएडा के इस कंपनी में सलोनी नाम की एक नई इंटर्न आई थी। बॉस ने सबसे निकम्मे बंदे के साथ उसे अटैच कर दिया कि भैया इसे देख लो, क्योंकि बॉस भी नहीं चाहता कि किसी इंटर्न के चक्कर में काम करने वाले बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो। इसीलिए ज्यादातर ऑफिसों में इंटर्न को निकम्मों के हवाले कर दिया जाता है। ये 10 साल में खुद कुछ नहीं सीख पाए, ये सिखाएंगे? मगर ये तो हर ऑफिस की नॉर्मल प्रैक्टिस है, मगर इस बार झगड़ा क्यों हुआ? सही कहा भाई, ऐसे तो ऑफिस के लड़कों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नया इंटर्न आया है, मगर इस बार की इंटर्न एक लड़की थी। बंदी ठीक ठाक थी तो ऑफिस के लड़के भी बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें काम जाने की सजा मिल रही है। लौंडे अभी समझ रहे थे कि इस इशू को कैसे मैनेजमेंट के सामने उठाए। तभी ऑफिस में खबर उड़ गई कि जिस निकम्मे बंदे के अंडर उसे रखा गया था वो उसे फिल्म दिखाने ले गया था। बस फिर क्या था, इसके बाद 10-20 लड़कों ने बीच ऑफिस उस निकम्मे लड़कों की चप्पलों से पिटाई की और फिर मैनेजर के कमरे में जाकर अपने इंसाफ की गुहार लगाई। देखिए गीता में लिखा है कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बस इसी फिलॉसफी पर चलते हुए हम कर्म किए जा रहे थे, मगर ये देखकर बुरा लगा कि हम तो कर्म करते रह गए और फल कोई और ले गया। तो रिंकू, मैनेजर ने क्या कुछ कहा उन्हें? टिंकू, मैनेजर ने भी इन लोगों के कंसर्न सुने। उसे भी लगा कि उसने इन लड़कों को बराबर मौका ना देकर इनके सिंगल पने के साथ ज्यादती की है, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला किया। देखिए लड़कों से बात करके हमें भी लगा कि वाकई उनके साथ भारी जुल्म हुआ है, इसलिए हमने तय किया है इन दोनों लड़कों को ऑड इवन फॉर्मूले की तर्ज पर मौका दिया जाएगा। एक दिन एक सिखाएगा और दूसरे दिन दूसरा, मगर तमीज में रहकर। इस बीच खबर है कि ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होने के बाद से ऑफिस में उत्साह का माहौल था। कुछ उत्साही कर्मचारियों ने तो रंगोली बनाकर दिए भी जला दिए थे। हर कोई नए इंटर्न के आने का इंतजार कर रहा था। 10 बजे इंटर्न नहीं आई, मगर बॉस के मोबाइल पर उसका एक व्हाट्सएप जरूर आया जिसमें लिखा था, सर कल शाम को मेरी रोहतक के नोनू सिंह से मंगनी हो गई। लड़के वाले चाहते हैं कि मैं नौकरी ना करूं, इसलिए आज से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। आपने मुझे इंटर्नशिप का मौका दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। ऑफिस में जो मुझे छोटी बहन जैसा प्यार मिला उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। सबको मेरी तरफ से जय राम जी की, आपकी चिंकी।